Hey guys, welcome back to the channel. आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही मजेदार मूवी लेकर आ गई हूँ. पर मूवी का शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. Now, without any chatter-patter, let's start the video. तो मूवी का शुरुआत एक किंगडम से होती है. ये ह्यूमंस का किंगडम है जिसे एक लालची किंग हेनरी रूल करता है. वहीं एक दूसरी किंगडम भी होती है जो मॉर्स की है. वहाँ बहुत सारी मैजिकल क्रिएचर्स होती है. वहीं एक पेड़ पर एक छोटी सी फेरी मैलिफिशेंट रहती है. उसके मैजिकल क्रिएचर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी. एक दिन वहाँ एक ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और वो रिवर से जूल चुरा लेता है. मैलिफिशेंट को पिक्सल नॉट कार्ड्स फ्लिटर्स से पता चलता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन आया है. वो उसके पास जाती है और उसे जूल लेकर पानी में वापस फेंक देती है. फिर वो उसे ह्यूमन किंगडम की तरफ ले जाती है. वो लड़का मैलिफिशेंट को बताता है कि मुझे एक दिन उस कैसल में जाना है, लेकिन अभी तो मैं ऑर्फिन होने की वजह से बाढ़ में रहता हूँ. वो जाने से पहले अपना नाम स्टेफिन बताता है और हाथ मिलाता है, लेकिन उसने आयरन की रिंग पहनी हुई थी जिसकी वजह से फेरी को हर्ट होता है. ये जानते ही स्टेफिन अपनी रिंग निकालकर दूर फेंक देता है. वो जाते वक्त दोबारा आने का वादा करता है. मैलिफिशेंट स्टेफिन के रिंग फेंकने के एक्ट से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो सारे वक्त उसके बारे में सोचती रहती है. कुछ दिनों बाद वहाँ वापस वो आता है और फिर वो अक्सर आता जाता रहता था और फिर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है. पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता. और एक दिन जब मैलिफिशेंट का 16th बर्थडे होता है, स्टेफिन उसे ट्रू लव किस देता है. फिर स्टेफिन अपने पैसे कमाने और एम्बिशंस पूरी करने के लिए चला जाता है. वो मॉर्स नहीं आता, मगर मैलिफिशेंट एक बहुत ही पावरफुल फेरी बन चुकी थी. वो मॉर्स की हिफाजत करने में लगी रहती थी. पर एक दिन वो लालची किंग हेनरी वहाँ पर अपनी आर्मी लेकर आता है. मैलिफिशेंट को पता चलते ही वो उनके पास जाकर उन्हें वापस जाने को कहती है, लेकिन वो हंसने लगते हैं और किंग उन्हें मैलिफिशेंट पर अटैक करने के लिए कहता है. मैलिफिशेंट भी अपने ट्री ब्रांचेस से बने हुए क्रिएचर्स को बुलाती है और वो सेना से जाकर लड़ने लगते हैं. और मैलिफिशेंट किंग के पास जाती है, लेकिन किंग उसे आयरन लगाकर इंजर्ड कर देता है. और मौका देखते ही किंग अपनी सेना को लेकर वापस भाग जाता है. किंग बहुत बीमार पड़ जाता है. वो घोषणा करता है कि जो उनका बदला लेगा, यानी कि जो मैलिफिशेंट को मार देगा, वो इस किंगडम का राजा बनेगा और उसकी बेटी से भी शादी करेगा. ये बातें स्टेफिन भी सुन रहा होता है क्योंकि वो वहाँ पर ही काम करता था. फिर वो मैलिफिशेंट से मिलने जाता है. वो लोग काफी वक्त साथ में गुजारते हैं और फिर स्टेफिन मैलिफिशेंट को एक पानी की बोतल देता है और वो पानी पीकर मैलिफिशेंट बेहोश हो जाती है. और मौका देखते ही स्टेफिन उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती. वो उसके विंग्स देखकर अपने बैग से एक आयरन की चेन से मैलिफिशेंट के विंग्स काट ले जाता है. फिर अगली सुबह मैलिफिशेंट देखती है कि उसके विंग्स कट चुके हैं और वो दर्द में चिल्लाती है. स्टेफिन भी उसकी चीख सुन रहा होता है, मगर फिर भी वो विंग्स को ले जाता है. वो उन विंग्स को कैसे ले जाकर किंग के सामने पेश करता है और मैलिफिशेंट को मार डालने का दावा करता है. और किंग ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वहाँ का किंग उसे बना देता है. वहीं दूसरी तरफ मैलिफिशेंट काफी दर्द में थी और उड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे पैदल ही चलना पड़ रहा था. मैलिफिशेंट स्टेफिन के दिए हुए धोखे से काफी ज्यादा गम में थी. एक दिन यूं ही चलते चलते मैलिफिशेंट देखती है कि एक आदमी क्रो को मार रहा है. तभी वो अपने मैजिक से क्रो को ह्यूमन में बदल देती है. ये देखकर वो आदमी डर से भाग जाता है. फिर वो क्रो अपना नाम डेविल बताता है और क्योंकि मैलिफिशेंट ने उसकी जान बचाई थी, वो क्रो उसका सर्वेंट बन जाता है. फिर मैलिफिशेंट उसे किंगडम की खबर लेने भेजती है और ड्रेवल आकर बताता है कि स्टेफिन ने किंग की बेटी से शादी कर ली है. और ये सुनकर मैलिफिशेंट को काफी बुरा लगता है, मगर फिर वो मॉर्स को डार्क किंगडम में बदल देती है और वहाँ पर राज करती है. फिर एक दिन ड्रेवल मैलिफिशेंट को खबर देते हैं कि स्टेफिन की एक बेटी हुई है और उसी के खुशी में वहाँ पे जश्न रखा गया है. जश्न में पिक्सीज भी गई होती है और परमिशन लेकर स्टेफिन की बेटी अरोरा को ब्लेसिंग देती है कि वो खूबसूरत हो, हर किसी की पसंद हो और हमेशा खुश हो. पर तभी वहाँ पर मैलिफिशेंट आ जाती है और सबके मना करने के बावजूद वो अरोरा को कर्स्ट करती है कि वो खूबसूरत हो, सबको पसंद आने वाली लड़की हो,
पर अपने 16th बर्थडे पर चरखे की सुई पर उंगली रखकर ऐसी नींद में सो जाए कि दोबारा कभी ना उठे। ये सुनकर स्टेफन घुटनों पर आ जाता है और मेलिफिशिएंट को अपना कर्स्ट वापस लेने को कहता है, मगर मेलिफिशिएंट फिर दया करके अपने कर्स्ट में कुछ चेंज करती है और वो कहती है कि अरोरा चरखे की सुई पर अपनी उंगली रख कर सो तो जाए, मगर वो तभी उठे जब उसे कोई ट्रू लव किस दे, क्योंकि मेलिफिशिएंट जानती है कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर स्टेफन वहाँ के सारे चरखे डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी सेना को मॉर्स भेजता है मेलिफिशिएंट को मारने के लिए, पर मेलिफिशिएंट ट्री ब्रांचेस से एक दीवार बना देती है ताकि कोई भी वहाँ पर ना आ सके। स्टेफन अरोरा को सेफ रखने के लिए और उसके 16th बर्थडे तक छुपाए रखने के लिए पिक्सिस के साथ उसे फॉरेस्ट के एक कॉटेज में भेज देता है। पिक्सिस उसके ख्याल रखने के लिए ह्यूमंस तो बन जाती है, मगर उन्हें उसका ख्याल रखने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो डेविल उनका पता लगाकर मेलिफिशिएंट को भी उस कॉटेज में ले जाता है। मेलिफिशिएंट को अरोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसके रोने की आवाज से उसे चिड़चिड़ी होती थी। डेविल अरोरा की भूख मिटाकर उसे चुप कराता था। मेलिफिशिएंट और डेविल अरोरा पर बचपन से ही नजर रखते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। इसी दौरान अरोरा मेलिफिशिएंट से मिलती भी है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन केज में रखे हुए मेलिफिशिएंट के विंग से बात करता रहता था। स्टेफन अपनी आर्मी को मेलिफिशिएंट के वॉल गिराने के लिए बार बार भेजता रहता था। इसी दौरान स्टेफन की वाइफ की मौत भी हो जाती है, क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अरोरा भी मेलिफिशिएंट और डेविल के निगरानी में ही बड़ी हो जाती है और अरोरा मॉर्स के बने हुए वॉल के अंदर जाने के लिए काफी क्यूरियस होती है और वहाँ वो बाहर जाके खड़ी हो जाती है, मगर तभी मेलिफिशिएंट वहाँ आ जाती है और सभी आर्मी से लड़कर उन्हें वापस भेज देती है और अरोरा को बेहोश करके अपने साथ वॉल के अंदर ले जाती है। जब अरोरा की आंखें खुलती है, वो खुश होकर मेलिफिशिएंट को कहती है कि आप मेरी गॉड मदर हो, क्योंकि बचपन से मैं आपकी निगरानी में ही बड़ी हुई हूँ। फिर अरोरा अक्सर वहाँ आती रहती थी और अरोरा की वहाँ के क्रिएचर से दोस्ती भी हो जाती है और मेलिफिशिएंट अरोरा पर नजर रखते रखते उसकी केयर करने लग जाती है और वो अरोरा को दिया हुआ कर्स्ट वापस लेने की कोशिश करती है, मगर वो नाकामयाब होती है। जैसे जैसे अरोरा का बर्थडे करीब आने लगता था, दोनों किंगडम में खलबली मच जाती थी। स्टेफन को मेलिफिशिएंट के नाइटमेयर्स भी आने लगते थे और वो सपने में भी आयरन बनवा रहा था। वहीं मेलिफिशिएंट अरोरा को दुनिया की इविलनेस के बारे में बताती है और अरोरा अपने बर्थडे के बाद मॉर्स में रहने की ख्वाहिश जाहिर करती है। मेलिफिशिएंट मान जाती है और अरोरा खुश होकर ये बात पिक्सिस को बताने जाती है। तभी फिलिप्स नाम का एक प्रिंस अरोरा से मिलता है। डेविल मेलिफिशिएंट को कहता है कि फिलिप्स अरोरा को ट्रू लव किस करके उसका कर्स तोड़ देगा। मेलिफिशिएंट हंसते हुए कहती है कि मैंने ये कर्स इसलिए तो दिया था क्योंकि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर अरोरा पिक्सिस को मॉर्स में रहने की बात बताती है, मगर पिक्सिस अरोरा को कर्स्ड वाली बात बता देती है और अरोरा तुरंत मेलिफिशिएंट के पास जाती है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बिना कुछ सुने हॉर्स लेकर कैसल की ओर चली जाती है। वो जैसे ही कैसल पहुंचती है, स्टेफन उसे वहां देखकर खुश बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो अपने 16 बर्थडे से पहले वहां आ गई थी और उसे रूम में बंद कर देता है। मगर अरोरा अपने रूम के डोर को नॉक करती है, तभी एक मेड डोर ओपन कर देती है। अरोरा आवाजों को फॉलो करती हुई कैसल के डंजर में पहुंच जाती है। वहाँ वही चरखे की सुई होती है और जैसे ही अरोरा उस सुई पर अपनी उंगली रखती है, वो बेहोश हो जाती है। वहीं हॉर्स बने हुए डेविल पर सवार होकर मेलिफिशिएंट फिलिप्स को लेकर कैसल पहुँचती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कष्ट पूरा हो चुका है। डेविल आयरन ट्रैप को देखकर मेलिफिशिएंट को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन ट्रैप्स को क्रॉस करते हुए वो अंदर चली जाती है। पिक्सिस फिलिप को अरोरा को ट्रू लव किस करने को कहता है, लेकिन अरोरा फिर भी नहीं उठती। पिक्सिस उसे कमरे के बाहर ले जाती है। फिर मेलिफिशिएंट रोते हुए अरोरा से माफी मांगती है और उसे फोरहेड पर किस करती है। मेलिफिशिएंट के ट्रू मदर लव किस से अरोरा उठ जाती है। वो एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी स्टेफन को मेलिफिशिएंट के कैसल में होने का पता चल जाता है। मेलिफिशिएंट अरोरा को मॉर्स ले जाने के लिए जा ही रही होती है। जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं, मेलिफिशिएंट पे आयरन का जाल फेंक दिया जाता है ताकि वो कमजोर हो जाए।
अरोरा को गार्ड्स ने पकड़ लिया था वो उसे जाने नहीं दे रहे थे, मगर मेलिफिशेंट डेविल को ड्रैगन में बदल देती है। ड्रैगन आर्मी से लड़ रहा होता है और वो मेलिफिशेंट के ऊपर फेंका हुआ जाल हटा देता है। मेलिफिशेंट अरोरा को भागने के लिए कहती है और फिर सब ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और मेलिफिशेंट के चारों ओर आयरन शील्ड खड़ी कर देते हैं। और फिर स्टेफन आयरन आर्मर पहनकर वहां पर आता है और आयरन की चेन मारकर मेलिफिशेंट को दूर फेंक देता है, मगर तभी अरोरा केज में बंद विंग्स को आजाद कर देती है और वो तुरंत मेलिफिशेंट पर जाकर अटैच हो जाते हैं और मेलिफिशेंट फिर से पावरफुल हो जाती है और वो सबसे लड़ती हुई डेविल को आजाद कर देती है और अपने पैरों पर बंधे हुए आयरन चेन से स्टेफन को घसीटती हुई कैसल को तोड़कर बाहर निकलती है और कैसल के छत पर जाकर अपने पैर को आजाद करती है और स्टेफन को मारने लगती है। वो उसकी जान लेने ही वाली होती है मगर उसकी हिम्मत नहीं होती और वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन स्टेफन उस पर हमला कर देता है और वे नीचे गिरने लगते हैं, मगर मेलिफिशेंट अपने विंग्स की वजह से बच जाती है, मगर स्टेफन वहीं पर गिरकर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मॉर्स की दीवारें मेलिफिशेंट हटा देती है और मॉर्स को वापस पहले जैसा बना देती है और अरोरा को मॉर्स और ह्यूमन किंगडम की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। और यहीं पे मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और मूवी का सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।